हेलो गायज वेलकम टू दिस वीडियो आज हम जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका शॉर्ट फॉर्म है डी पी एस पी इट इज मैंशन इन पार्ट फोर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कवर्स फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू थर्टी वन आर्टिकल्स टेल अबाउट द एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव फायल फॉर्मुलेटिक लॉज एंड पॉलिसीज ये रिकोमेंड करते हैं स्टेट को इन लेजिस्लेटिव मैटर्स इन एग्जीक्यूटिव मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डी पी एस पी इज ऑल्सो कंसिडर्ड इसे हम कंसिडर करते हैं एज सिस्टर ऑफ रिवीएस पार्ट प्रिभियस पार्ट मीन्स फंडामेंटल राइट सो डी पी एस पी को हम फंडामेंटल राइट right के सिस्टर भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं डिस पी एस को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट दिज आइडियाज ये डी का आइडिया हमने कहाँ से लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एक आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है और आयरलैंड ने ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है दे आर द यूनिक ब्लेंड ऑफ हमारा जो डीपीएसपी है इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक एंड गांधीन प्रिंसिपल सोशलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक एंड गांधीन प्रिंसिपल सेबल बाय लॉ नॉट एनफोर्सिबल बाई लॉ मीन्स अगर इसका वायोलेशन होता है तो हम उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट करता है तो इन स्टेट ऑफ तमिल वर्सेस अबू कबूर बाई केस इन नाइनटीन एटी फोर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट हेल्थार्ड ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल येट द कोर्ट शुड नॉट अवॉइड दैम इसमें कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बट कोर्ट सुड नॉट कोर्ट को इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए इसमें है द जस्टिसबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द नॉन जस्टिसबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन द वन हैंड ये एक तरफ रहेगा एंड द मोरल अब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द डी पी एस पी ये दूसरी तरफ रहेगा अगर दोनों के भी अन भीतर कम कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट सो हमेशा फंडामेंटल राइट्स ही आगे रहेगा इन द स्टेट ऑफ मद्रास एंड चंपाकम दुराई रजन केस जो कि 1981 में हुआ था द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पी एस ऑलवेज फंडामेंटल विल प्रिवेल इट डिक्लेयर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सब्सिडरी ये हमेशा डी हमेशा फंडामेंटल राइट की एक सब्सिडरी के हिसाब से काम करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लास कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कॉलेज का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है बट ऑन द बेसिस ऑफ दर कॉन्टेंट एंड डन के हिसाब से इसे हम थ्री ब्रोड कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं सोशलिस्टिक गांधीन एंड लिबरल सोशल सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है दिज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिजिम के बारे में ये प्रमोट करता है द ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट इट एम टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ए स्टेट फिर नेक्स्ट है गांधीन प्रिंसिपल गांधी प्रिंसिपल में क्या हुआ है दिज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ गांधीन आइडियोलॉजी में बेस्ट है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी गांधी के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए सम ऑफ इज आइडियाज इंक्लूड किया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ओके फिर लिबरल इंटेलैक्चुअल प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल इंक्लूड दिस कैटेगरी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरालिजिम हमारा कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है फ्लैक्सीबल है और इसमें सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो इट्स कंसिडर्ड एज लिबरालिजिम फिर ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं आर्टिकल फ्रॉम थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन तो कुछ हम लिमिटेड लिमिटेड जो कि जो याद रखना चाहिए बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल थर्टी एट क्या कहता है सॉरीकल थर्टी एट कहता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर को हम प्रोटेक्ट करना का चाहिए विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फिर आर्टिकल थर्टी नाइन आर्टिकल थर्टी नाइन क्या कहता है द स्टेट विल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टू आर सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेस प्रिवेंटेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू कॉमन डिटेन कोई भी आ, आ, सारा वेल्थ को एक कोई भी पावरफुल इंसान कंसिडर नहीं कर सकता अपने पास नहीं रख सकता एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन ये ये इंपॉर्टेंट है जो भी रेड वर्ड में रेड लाइन रेड दिख रहे हैं ये आपको याद रखना है तो आर्टिकल थर्टी नाइन में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड फिर आर्टिकल थर्टी नाइन में और क्या है द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड अवॉइडिंग फोर्स द दिटीजन टू एंटर एबुकेशन ऑन स्वेटर टू दर एज और स्ट्रेंथ ठीक है वो लेबर के प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेल्थ की हेल्थ की बात की गई है इसमें फिर आर्टिकल फोर्टी ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फोर्टी में कहा गया है दैट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ये आता है आर्टिकल फोर्टी में ठीक है आर्टिकल फोर्टी वन क्या है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एंड राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्ड एज सिकनेस आर्टिकल फोर्टी टू टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमैनी कंडीशन आर्टिकल फोर्टी थ्री ये क्या बोलता है टू प्रोमोट कटेज इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री और टू सिक्योर वर्क ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये सब है आर्टिकल फोर्टी थ्री में आर्टिकल फोर्टी फोर ये इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड अपलीकेबल टू द एंटायर कंट्री तो आर्टिकल फोर्टी फोर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फोर्टी फाइव इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड विद इन टेन ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ऑफ फोर्टीन ये था आर्टिकल फोर्टी फाइव में ताकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए चिल्ड्रेन को अप टू द एज ऑफ फोर्टीन मीन्स मिनिमम टेन ईयर्स ऑफ फ्री एजुकेशन देना चाहिए आर्टिकल फोर्टी फाइव ये डीपीएसपी में था बट एटी अमेंडमेंट 2002 में इसको चेंज कर दिया गया इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस दिस आर्टिकल एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो हमें ये याद रखना है दैट आर्टिकल फोर्टी में ये जो आर्टिकल था दैट कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए अप टू द एज फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन ये फोर्टी फाइव में था अन द डीपीएसपी फ्री फिर बाद में टू थाउजेंड टू में अंडर एटी सिक्स अमेंडमेंट इसको चेंज कर दिया गया एंड इसको लाया गया फंडामेंटल राइट right में अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो अभी ये फंडामेंटल राइट right में है ना कि डी पी एस पी में फिर आर्टिकल फोर्टी सिक्स ये क्या कहता है टू प्रोमोट द स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड एक इंटरेस्ट ऑफ द विकर सेक्शन ऑफ़ द पीपल स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सो ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फोर्टी सिक्स में है टू प्रमोट द स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल फोर्टी सेवन क्या कहता है इन आर्टिकल फोर्टी सेवन टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल फोर्टी एट क्या कहता है टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एंड एनिमल है लाइन एंड प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रिड्स एंड प्रोहिबिट द स्लटर ऑफ जैसे काव, काप्स ये सब का कतल नहीं होना चाहिए कर ये सब आता है आर्टिकल फोर्टी एट में फिर आर्टिकल फोर्टी नाइन में क्या आता है टू प्रोटेक्ट ऑल मोनोमेंट ये आता है ये भी एक इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन में आ जाता है आर्टिकल फोर्टी नाइन टू प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट फिर आर्टिकल फिफ्टी ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट

सेटलमेंट एंड ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये सब आता है इंटरनेशनल बाहर से कैसे हम हमारा पीस एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखेंगे ये सब मेंशन किया गया है आर्टिकल फिफ्टी वन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये सब था फिर बाद में कुछ फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जब हुआ नाइनटीन सेवनटी सिक्स में फिर कुछ आड किए गए फिर आर्टिकल थर्टी नाइन ए हमने आर्टिकल थर्टी नाइन में क्या पढ़ा था हमने आर्टिकल थर्टी नाइन में पढ़ा था तो स्टेट ये क्या क्या देखा दे जैसे लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फिर उसमें थर्टी नाइन ए ए मीन्स अमेंडमेंट किया गया है थर्टी नाइन ए में ऐड किया गया है द लीगल सिस्टम प्रोमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड विल इन पर्टिकुलर फ्री लीगल एड ये फ्री लीगल एड मीन्स जैसे पुअर पर्सन हो या अगर कोई भी जैसे कोई भी क्राइम होता है वो अपने लिए कोई भी वकील नहीं ढूंढ सकते तो इसके लिए गवर्नमेंट उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर, प्रोवाइड करता है अपने तरफ से वकील देता है गवर्नमेंट का तो ये आड़ किया गया है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में फिर आर्टिकल थर्टी नाइन एफ थर्टी नाइन एफ क्या कहता है द चिल्ड्रेन आर गिवेन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन देयर इन हेल्थी मैनर दैट दाइल्ड चाइल्ड हुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आता है आर्टिकल थर्टी नाइन एफ में आर्टिकल फोर्टी थ्री ए में क्या आता है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन फोर्टी थ्री में क्या था जैसे उन जो था कटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये सब तो इसमें क्या जोड़ा गया है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एंड अंडरटेकिंग एंगेज इन एनी इंडस्ट्री मीन्स जो भी काम करते हैं वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह आता है आर्टिकल फोर्टी थ्री ए में फोर्टी एट ए में क्या आता है टू प्रोटेक्ट द एनवामेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये आता है आर्टिकल फोर्टी एट ए में फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फिर अमेंडमेंट हुआ फोर्टी फोर्थ को फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ऑन नाइनटीन सेवेंटी फाइट इसमें आर्टिकल थर्टी एट में भी एक जुड़ा गया है आर्टिकल जैसे आर्टिकल थर्टी एट ए द स्टेट साल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू तो मिनिमाइज द इन ऑफ तो इन तो इनकम ये किस में आता है आर्टिकल थर्टी एट ए में फिर आर, आर, आ, एक और आर्टिकल फोर्टी थ्री में जुड़ा गया है फोर्टी थ्री बी आर्यर वाई नाइनटी सेवेंथ अमेंडमेंट टू थाउजेंड इलेवन जिसमें की द स्टेट्स आर लेंडेबल टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सो सोसाइटी किस अमेंडमेंट से बना है नाइनटी सेवेंथ अमेडमेंट टू थाउजेंड इलेवन ठीक है ये इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है आर्टिकल फोर्टी थ्री बी नाइनटी किस से जुड़ा गया नाइन्टी सेवन अमेंडमेंट टू थाउजेंड इलेवन फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन उदर पार्ट्स उदर पार्ट्स में क्या है आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए इट इज द्री फिफ्टी ए में क्या है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर ऑफ कंसर्न स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग टू द पीपल ऑफ माइनॉरिटीज पर्टिकुलर टू द चिल्ड्रेन ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस मीन्स जो माइनॉरिटीज है उनकी एरिया में जो भी एजुकेशन दिया जाएगा तो उसका प्राइमरी एजुकेशन जो भी है अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड सो वो मदर टंग में होना चाहिए ये उस ऑफिसर का ड्यूटी है उस स्टेट के ऑफिसर का ड्यूटी है जिसको ये असाइन होगा ये वो निगरानी रखेगा कि थी ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये किस में आता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए में प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग टू द पीपल ऑफ़ माइनॉरिटीज फिर आर्टिकल थ्री थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी फाइव में क्या आता है इट विल कंसिडर टू अपॉइंट पीपल ऑफ़ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एंड आज यूनियन और स्टेट सर्विस में उनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोगों को जगह मिलनी चाहिए यह आता है आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन में क्या आता है टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज इट विज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज एमंग द पीपल ऑफ इंडिया हुई विल डेवलप आवर कल्चरल एंड सोशल एलिमेंट सो ये जैसे क्वेश्चन में आता है ना स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज के, के अंडर आता है तो दिस इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन सो डीपीएसपी में बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो